जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो करेंट अफेयर्स जो मंथली था जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। हम आप लोगों से ये कहे थे कि एक महीने का करेंट अफेयर्स लमसम एक घंटे में पूरा करेंगे, तो ये पूरा हो गया था। एक घंटे में एक महीने का डोज पूरा हो गया। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक घंटे का वीडियो है वो पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो विस्तार रूप से स्पीडी चल रहा है उसको हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। कह रहे हैं पहला स्पीडी जो है वो अक्टूबर न्यू वर्जन जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में है, देखिए कह रहे हैं कि करेंट अफेयर्स में कौन क्या और कहाँ, कह रहे कि कौन है किस पद पर, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला कह देता है, देखिए करेंट अफेयर्स पढ़ना हम लोग याद कर लेते हैं, लमसम याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और जानकारी की जरूरत होती है, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन वैसा भी पूछ सकता है। कह रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारी, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। संवैधानिक पदाधिकारी में कितने मंत्री आते हैं, तो इसमें 3 मंत्री मुख्य रूप से आएंगे। संवैधानिक पदाधिकारी जो संविधान के पद से देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो जाएंगे, दूसरा उपराष्ट्रपति हो जाएंगे और तीसरा प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रपति इसलिए प्रथम होते हैं कि हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार प्रथम हो गए। और दूसरा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जो पद इसलिए उपराष्ट्रपति को लिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जब नहीं अपने जब अपना जो पद पर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के जस्ट नीचे आएंगे तो उपराष्ट्रपति। और ये जो हम लोग नेता में जो जीत हासिल करके हम लोग भेजते हैं, जिसे जीत हासिल करके जो जाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो संविधान में मूल रूप से 3 होते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। कह देगा कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और कौन से क्रम के हैं? तो ये द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की बनी हैं, ठीक। और कह देगा उपराष्ट्रपति, तो ये 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ बने हैं। देखिए ये क्रम भी एग्जाम में आजकल डाल रहा है, क्योंकि वो भी जान रहा है एग्जामिनर कि इसमें हम लोग द्रौपदी मुर्मू को याद कर चुके हैं, लेकिन क्रम हम लोग नहीं याद किए हैं तो क्रम भी डाल देता है। तो 15वें क्रम के द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें क्रम के बने हैं। और ये कहाँ के उपराज्यपाल अभी रह चुके हैं, तो ये इसके जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले तो कह देगा तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कौन से क्रम के? तो प्रधानमंत्री 15वें क्रम के नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए न्यायिक प्रमुख उसे कहते हैं जो न्याय करने के लिए संबंधित हो, न्याय से संबंधित न्यायिक प्रमुख। इसमें कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। देखिए न्यायिक प्रमुख में आता है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, वो है DY चंद्रचूड़। कौन से क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के हैं। 50वें क्रम के DY चंद्रचूड़ हैं। आ इससे पहले कौन थे? उदय उमेश ललित थे। वो कौन से क्रम के? 49वें क्रम के। और DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के बने हैं। 21 दिन बने थे, तो ये
9 नवंबर को कौन बने थे, 9 नवंबर को बने थे ये डीवाई चंद्रचूड़ बने थे 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं ये आर वेंकट रमनी हैं 16वें क्रम के, आर वेंकट रमनी हैं 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी हैं। ये न्यायिक प्रमुख में इसलिए आता है क्योंकि देखिए संसद में जब भी राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो वहाँ पर बैठने और सुनने का इनका काम है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं महान्यायवादी। ये भी न्यायिक समीक्षा अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी 16वें क्रम के हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसी के अधीन होता है, महान्यायवादी के ही अधीन होता है। तो ये तुषार मेहता हैं। अब कह देगा अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल हैं। अब कह देगा कि संसदीय प्रमुख उसे कहते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, संसदीय प्रमुख उसे कहते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित होते हैं। तो इनमें जो मेन होते हैं उनके बारे में दिया गया है क्योंकि मेन ही संसदीय प्रमुख में आएंगे। वो जो होते हैं जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री के अनुसार होते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन चलते हैं तो उनको इसमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को मेन जो है मंत्री उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है, जो सत्ता पक्ष होता है विपक्ष होता है इसके बारे में संसदीय प्रमुख में देता है, या अध्यक्ष जो होते हैं सभापति होते हैं इस सब के बारे में संसदीय प्रमुख में पढ़ना है। यही ध्यान देना है कि संसदीय प्रमुख में कौन कौन आएंगे। तो ये संसदीय प्रमुख में कह देगा पहला सभापति राज्यसभा के तो जगदीप धनखड़, क्योंकि यही उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति का ही काम है जो राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करना, उन्हीं को दिया गया है सभापति का पद। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं, ठीक। और कह देगा उपसभापति राज्यसभा के कौन हैं, तो ये हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं राज्यसभा के। अब कह देगा महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और नेता विपक्ष इसमें अभी नहीं है। अब कह रहा है कि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है, पीयूष गोयल हैं। ये अभी पीयूष गोयल जो हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। कह रहा है कि अध्यक्ष लोकसभा के 17वां तो ये ओम बिरला अध्यक्ष है, किस क्रम के, 17वें क्रम के। नेता विपक्ष कहेगा तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के तरफ से हैं, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी। कह देगा कि महासचिव कौन है, तो महासचिव उत्पल कुमार सिंह है, किसका, लोकसभा का। राज्यसभा का कहेगा तो महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और निर्वाचन आयोग जो चुनाव से संबंधित होता है उनमें कौन कौन होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और एक उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसमें देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं 25वें क्रम के राजीव कुमार हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त तो इसमें दो हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जो पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं वो हैं। अनूप चंद्र पांडे हैं चुनाव आयुक्त और राजीव कुमार जो पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। आ कह देगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो राजीव कुमार 25वें क्रम के हैं। उप चुनाव आयुक्त में देखिए कौन कौन है, ये चार ठो हैं, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। अब कहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें दो आ जाते हैं, एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खुद और एक होता है महालेखा नियंत्रक परीक्षक।
तो महालेखा नियंत्रक होता है, एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कई कहते हैं शॉर्ट में, ये गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू किस राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल रह चुके हैं? तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर वहाँ के उपराज्यपाल कौन रह चुके हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू रह चुके हैं। प्रथम उपराज्यपाल यही थे जम्मू कश्मीर के। ठीक, कह रहा है कि महालेखा नियंत्रक कौन है अभी? तो महालेखा नियंत्रक वो भारती दास हैं। भारती दास 27वें क्रम के हैं, 27वां क्रम के हैं। अब देखेंगे सेना के बारे में। तो देखिए, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख दिया है, तो पहला होता है जो सर्वोच्च सेनापति होता है, वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उन्हीं को अपने देश के सर्वोच्च सेनापति का पद माना जाता है। ठीक, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो यही द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब वायु सेना, नौ सेना और थल सेना, कह देगा कि हमारे जो सेना है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, सेना को। तो मुख्य रूप से वायु सेना, नौ सेना और थल सेना, या थल सेना, वायु सेना, नौ सेना। ठीक, चलिए, अब कह रहा है कि इसमें सर्वोच्च सेनापति जो है ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक, और कह रहे वायु सेना कौन है? तो बीआर चौधरी 27वें क्रम के हैं। बीआर चौधरी वायु सेना अध्यक्ष 27वें क्रम के हैं। कह देगा कि नौ सेना, तो आर हरि कुमार 25वें क्रम के हैं। आर हरि कुमार जो है ये 25वें क्रम के हैं। कह देगा थल सेना, थल सेनाध्यक्ष, तो थल सेनाध्यक्ष जो है ये मनोज पांडे हैं, 29वें क्रम के थल सेना। देखिए, सबसे पहले थल सेना जो मनोज पांडे हैं 29वें क्रम के हैं। अब उसके बाद वायु सेना जाइए, बी आर चौधरी है 27वें क्रम के। उससे जस्ट नीचे आइएगा तो आर हरि हो जाएंगे नौ सेना अध्यक्ष, आर हरि कुमार 25वें क्रम के। देखिए, नौ सेना 25वें क्रम के आर हरि कुमार, उसके बाद 27वें क्रम के बी आर चौधरी हो जाएंगे, ये बी आर चौधरी वायु सेना। उसके जस्ट नीचे आएंगे 29 क्रम के मनोज पांडे थल सेना। चलिए, आगे दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, वर्तमान में अनिल चौहान CDS बने हैं, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, CDS अनिल चौहान बने हैं। और सबसे पहला कह देगा कि CDS कौन थे, तो ये जनरल बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत जो थे ये पहले CDS थे जो इनके पहले थे। तो कह देगा कि CDS किस क्रम के हैं, तो ये अनिल चौहान जो है ये दूसरे क्रम के अनिल चौहान CDS बने हैं। पहला जनरल बिपिन रावत हैं, जिनका निधन हो चुका है। ठीक, और जनरल बिपिन रावत किस राज्य के थे, तो ये उत्तराखंड के थे। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के थे। अब कह देगा कि मैनपुरी स्कूल, जो सैनिक स्कूल है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये जनरल बिपिन रावत के ही नाम पर रखा गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि महानिदेशक सैन्य अभियान जो अभियान चलता है, कहीं पर देखिएगा तो मानते हैं कि किसी देश के साथ अभियान चलता है, जैसे मानते हैं नौसेना का चलता है अमेरिका के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ जो अभियान चलता है, उसके महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। चाहे अपने में नौसेना, थल सेना और वायु सेना जो है, ये अपना जो
अभ्यास करती है उसको भी इसी में आता है। तो इसके महानिदेशक कौन है, तो ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। मनोज कुमार कटियार है सैन्य अभियान के जो भी अभियान चलता है, तो उसके जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। अब देखिए कह रहा है कि सचिव एवं सलाहकार, सचिव एवं सलाहकार जो सचिव होते हैं या सलाहकार होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर बने होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो हैं उसमें प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट सचिव जो है मेन राजीव गाबा हैं, कैबिनेट सचिव का मुख्य जो है राजीव गाबा हैं। पर एक सलाहकार प्रधानमंत्री को जो सलाहकार हैं उस वह कौन है, तो तरुण कपूर हैं। तरुण कपूर प्रधानमंत्री का सलाहकार हैं। कह देगा कि जो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो ये पीके मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं। अब कह देगा प्रधानमंत्री का निजी सचिव, निजी सचिव कौन है, तो विवेक कुमार हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री का विवेक कुमार हैं। कह रहा है कि रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कॉल हैं, गार्गी कॉल हैं। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। विश्व विदेश सचिव और विश्व विनय मोहन क्वात्रा हैं। विदेश सचिव कह देगा कि कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। अब कह देगा अगला देखते हैं, अगला है हम लोग का गृह सचिव। तो गृह को रक्षा क्या करेंगे, हम लोग भलाई करेंगे, तो अजय कुमार भल्ला हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। और वित्त सचिव कहेगा तो टीवी सोमनाथन हैं, वित्त सचिव कहेगा तो टीवी सोमनाथन हैं, टीवी सोमनाथन हैं। कह देगा रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर और माने हैं, गिरिधर और माने जो हैं रक्षा सचिव हैं। राजस्व सचिव कौन है, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं। कह देगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये अजीत डोभाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं ये अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल हमेशा देखिएगा तो विख्यात रहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, हमारे देश के लिए बहुत काम कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इन्हीं को बनाए गए हैं, अजीत डोभाल को। कह रहा है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल के उप जो बने हैं तो ये विक्रम मिश्र बने हैं, विक्रम मिश्र बने हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कहेगा कि कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कह देगा कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का तो अजय कुमार सूद हैं, अजय कुमार सूद हैं। अब देखिए कुछ गुप्तचर संस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसको गुप्तचर संस्था इसलिए कहा जाता है कि देखिए सरकार का नियम है, सरकार का नियम है कि जो भी बात, जो भी बात अगर सरकार चाहेगी तो हम लोगों के पास ये पेश कर सकती हैं, और कुछ गुप्त बातों को रखना चाहेगी तो अपने पास रख सकती हैं। यही जो काम करती है गुप्त संस्था करती है। ऐसा ही देखिएगा तो मीडिया भी करती है, मीडिया कुछ बातों को हम लोगों के सामने पेश करती है और कुछ बातों को दबा कर अपने पास रख लेती है। तो हम लोग कहते हैं कि मीडिया क्यों सभी बातों को नहीं बताती हैं, मीडिया हो गई या मानते हैं कि ये गुप्तचर संस्था जो है ये हो गया, चाहे जो अपने ये आर्मी जो है, आर्मी आर्मी भी देखिएगा तो अपने बातों को दबा कर चलती हैं। मार्शल एक्ट के तहत देखिएगा कहीं भी जो आर्मी है किसी भी क्षेत्र में अपना काम करती है तो वो किसी राज्य के अधिकार से नहीं करती हैं, वो केंद्र के सरकार के अधिकार से चलती हैं, इसलिए वो भी अपना गुप्त काम कर सकती है। तो गुप्तचर संस्थाएं जो दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन हम लोग का गुप्तचर संस्था संगठन बना हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको शॉर्ट में CVC बोलेंगे, तो सुरेश एन पटेल हैं,
स से सी और स से सुरेश एन पटेल, तो याद हो जाएगा स से सीबीसी और स से सुरेश एन पटेल बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सुरेश एन पटेल हैं। अब कह रहे हैं कि विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जिसको बोलते हैं प्रवीण सिन्हा हैं। विशेष कहेगा तो प्रवीण सिन्हा है सीबीआई के निदेशक, कह देगा कि निदेशक कौन है तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल और सीबीआई के विशेष निदेशक तो प्रवीण सिन्हा हैं, प्रवीण सिन्हा हैं। अब कह देगा अगला देखते हैं, कह देगा कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त कौन है सीआईसी, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, ये 11वें क्रम के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं जो 11वें क्रम के हैं। अगला है निदेशक आईबी के जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, तपन कुमार डेका हैं, तपन कुमार डेका आईबी के निदेशक हैं। कह रहे हैं एक हैं प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रॉ कहते हैं, ये देखिएगा तो ये सबसे फेमस होता है, क्यों, क्योंकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रिसर्च करके एकदम एनालिसिस करके जो काम करती है प्रमुख इनके कौन है तो सामंत कुमार गोयल हैं, रॉ के एजेंट सामंत कुमार जो है गोयल हैं प्रमुख। कह रहा है कि महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के दिनकर गुप्ता हैं, एनआईए के दिनकर गुप्ता हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कहेगा तो दिनकर गुप्ता है। अब कह देगा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसको कहते हैं, ईडी के निदेशक कौन है संजय कुमार मिश्र हैं, ईडी के निदेशक कौन है संजय कुमार मिश्र हैं। अब कह देगा कि एनसीबी जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी कहते हैं तो सत्य नारायण प्रधान हैं, एनसीबी के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान हैं, सत्य नारायण प्रधान हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है ये अर्ध सैनिक बल जो होते हैं ये इसके बारे में जान लेते हैं, ये अर्ध सैनिक बल हैं। ऊपर हम लोग पढ़े थे जो सैनिक के बारे में पढ़े थे तो सैनिक के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन होते थे तो राष्ट्रपति, आ उसमें दिया था सैनिक में तो थल सेना, वायु सेना और नौसेना जो नेवी कहते हैं जो जल में काम करती हैं, तो उसको हम लोग सैनिक में पढ़ते हैं और अर्धसैनिक उसी के जो उस जो थल सेना है या वायु सेना है या नौसेना है उसकी जो टुकड़ियां होती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको अर्धसैनिक बल में रखा जाता है, अर्धसैनिक बल में रखा जाता है। तो देखिए एसएसबी जिसको सीमा सशस्त्र बल कहते हैं, एसएसबी जिसको सीमा सशस्त्र बल कहते हैं इसके महानिदेशक कौन हैं, इसके महानिदेशक हैं एसएल थाउसोन। और देखिएगा तो सीआरपीएफ जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं इसका भी एसएल थाउसोन है, तो एसएसबी के और सीआरपीएफ के एसएलएन एसएल थाउसोन है। अब बीएसएफ के कहेगा तो बीएसएफ का महानिदेशक पंकज सिंह है, बीएसएफ का महानिदेशक पंकज सिंह है। देखिए बीएसएफ का स्थापना कह देगा कब हुआ था, बीएसएफ का स्थापना 1935 ईस्वी में 65 ईस्वी में हुआ था, बीएसएफ का स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था, बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक, अब कह देगा कि सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था तो सीआईएसएफ का स्थापना, सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ था, सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ था। सीआईएसएफ का अभी महानिदेशक कौन है तो सिलवर्धन सिंह, सीआईएसएफ का महानिदेशक सिलवर्धन सिंह है। अब कह देगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक एम ए गणपति हैं, एनएसजी का महानिदेशक एम ए गणपति हैं। अब कह देगा कि
विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा हैं। अरुण कुमार सिन्हा हैं। अब कह देगा कि महानिदेशक जो आईटीबीपी है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुआ था। तो आईटीबीपी के अभी जो महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। और सीआरपीएफ का कहेगा तो 1939 में स्थापना हुआ था। सीआरपीएफ के कहेगा तो 1939, सीआईएसएफ के कहेगा तो 1969, और आईटीबीपी के कहेगा तो 1962। अब देखिए एनसीसी के अभी महानिदेशक कौन है, जिसको राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह हैं। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह हैं, 34वें क्रम के हैं। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह महानिदेशक हैं, 34वें क्रम के। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 को हुई थी। एनसीसी की स्थापना 1948 को हुई थी। अब देखिए अगला कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल, जिसको आईसीजी कहते हैं, उसके महानिदेशक बीएस पठानिया हैं, 24वें क्रम के। बीएस पठानिया 24वें क्रम के आईसीजी के महानिदेशक, और एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह 34वें क्रम के। अब कह रहा है एनडीआरएफ टीम जो काम करती है, जो आपदा आता है, जैसे कहने का मतलब बाढ़ आ गया, किसी भी राज्य में बाढ़ आ जाता है तो एनडीआरएफ टीम क्या रहती है? तैनात रहती है हम लोग को सेवा देने के लिए। तो एनडीआरएफ के एनडीआरएफ के निदेशक कौन है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव। एनडीआरएफ के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको बोलते हैं, मृणालिनी श्रीवास्तव हैं। अब कह देखे कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसको आरपीएफएस कहते हैं, तो इसके महानिदेशक कौन है? संजय चंदर हैं। संजय चंदर आरपीएफ के महानिदेशक हैं। आसाम राइफल, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। आसाम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। इसके महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर हैं। इसके महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष एवं सचिव, जो आयोग होता है उसका प्रमुख सचिव जो है या अध्यक्ष हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए आयोग जो होता है, आयोग तो नीति आयोग की स्थापना कह देगा कब हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो एक जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ही किए थे। अभी वर्तमान में ही प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अध्यक्ष नीति आयोग के यही, क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग के बदले में लाया गया है। योजना आयोग इसका पहले नाम था, अब नीति आयोग हो गया है। आइए कह देगा कि कब किए थे इसका नाम का उद्घोषणा। तो ये 15 अगस्त 2014 को जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, कहाँ पर? दिल्ली में। तो 15 अगस्त 2014 को उसी समय इसका नाम रख लिए थे कि नीति आयोग करेंगे योजना आयोग का नाम, और 1 जनवरी 2015 को घोषित कर दिए नीति आयोग के नाम से। तो आप नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष कह देगा तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब कह देगा कि सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। कह देगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी हैं, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। कह देगा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कह देगा कि कौन है? तो ये बलबीर सिंह चौहान हैं।
अब कह दे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो महिला हिले है और महिला रेखा शर्मा हैं, तो नवे राष्ट्र कह देगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, कौन से क्रम के, नवे क्रम के। राष्ट्रीय महिला आयोग के कह देगा अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, नवे क्रम के हैं। कह देगा अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है। अब कह देगा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, तो ये एसएससी के, एस से एसएससी और एस से एस किशोर, एस से एसएससी और एस से एस किशोर, तो एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर बने हैं। अब कह देगा सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर हैं, अशोक कुमार माथुर जो है ये सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक पढ़ लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, इससे जो बाद वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।